होंगे, फिर पकने के बाद ये ब्लैक हो जाएंगे और बहुत टेस्टी है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप कितना सा बड़ा है और ये मुझे मिल चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे। और स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विनोद राजपूत ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों ने मुराल डंडा वाली सीरीज को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आज अभी मैं हूँ घर पे, बड़े टाइम बाद घर से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, तो अभी जुलाई मंथ चला है, तो जुलाई मंथ में बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है जो उगती है, और बहुत चीजें फल फ्रूट होती है जो जंगलों में लगती है। सुबह के 10:30 अभी मैं ब्रेकफास्ट करके बैठा हूँ अपने रूम पे। अभी मेरा मूड बन रहा है कि मैं अभी बाहर घूमने जाऊँ, धूप भी बहुत अच्छी लगी है बड़े दिनों बाद, तो अभी बाहर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को बाहर का व्यू और आज मैं क्या लाने जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा। इस मैं आप लोगों को बता दूँ तो इस ये अभी जो 3 मंथ होती है, जून जुलाई और अगस्त, तो इन 3 मंथों में इन जंगलों में बहुत सारी सब्जियाँ होती है और जो कि विभिन्न प्रकार की होती है, और जिसको पता है वही उन सब्जियों को खाते हैं। जैसे कि अब मेरे को पता है कुछ सब्जियों के बारे में, तो उन सब्जियों को मैं कलेक्ट करूंगा फिर ले जाऊंगा। तो कुछ सब्जियां इन देवदारों के पेड़ों की जड़ों में भी लगती हैं जो अभी उगी नहीं है, अब धीरे धीरे को उगेगी, मैं वो अभी आप लोगों को बताऊंगा। बट अभी कुछ सब्जियां उग चुकी हैं, तो मैंने छोटी छोटी सब्जियां देखी थी वो, तो अभी उनको लाने जाएंगे, तो अभी फिर बताऊंगा कि आप लोगों को मैं कैसी होती है और किस तरह की होती है। बट अभी यहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर जाने को है, तो मैं आराम आराम से चलता हूँ। और धूप भी लगी है तो काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है मुराल से आने के बाद, और थोड़ी सी मेरे बैक पीठ में पेन हो रहा है क्योंकि उस बड़ा बैग था, तो वजन होने के कारण अप डाउन करके 30-40 किलोमीटर में इतना सामान लेके फिर अप डाउन करना बिना रेस्ट के तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट अभी मैं जंगलों में घुस चुका हूँ। ये है अपना खूबसूरत सा बाली का जंगल, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत सा है, देवदारों के पेड़ से भरा पड़ा, और इसमें हर एक प्रकार की सब्जियाँ फल फ्रूट और सबको लकड़ियाँ सब कुछ मिलती है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर है, ग्रीनरी ग्रीनरी, और ठंड के लिए भी काफ़ी अच्छी है, तो बहुत कुछ देता है ये जंगल भी। तो चलते भी आगे की तरफ, मार को अभी लिंगड़ की सब्जी भी मिलती थी आगे की तरफ, अगर वो मिलती है तो वो भी थोड़ी सी लेके आएंगे, क्योंकि अब ये लास्ट लिंगड़ की सब्जी होगी, इसके बाद बोलते हैं कि नहीं खाते अगस्त के बाद, तो आज मैं लास्ट जाऊँगा, तो इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा लिंगड़ की सब्जी लाने अगर मिलती भी है तो, क्योंकि इसके बाद बोलते हैं कि नहीं खाते हैं। तो अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है, और हम लोग इस प्लानेट में घुस चुके हैं जंगल पे। इसी के साथ अगर आप लोगों ने तालमेल बना लिया तो बहुत कुछ देती है प्रकृति, अगर प्रकृति कुछ दे रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ना खा लो आप जिससे आप लोगों के लिए हानि हो जाए। फिलहाल तो गाइज मैं बीच जंगल में आ चुका हूँ, तो इधर को बहुत ज़्यादा उगता था वो वाला सब्जी, तो फिलहाल तो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, बट हाँ अगर दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से होता है। बहुत ही सुंदर सा हमारे ये गांव का जंगल है, भालू हो गया, लेपड़ हो गया, तो बहुत सी चीज़ें हैं। बट ये थोड़ा इससे नीचे नीचे को जाएंगे तो और थोड़ा घना जंगल आता है, बट ये थोड़ा बगीचे के साथ होने के कारण यहाँ पे थोड़ी देवदार की मात्रा ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे उतनी झाड़ियाँ नहीं है और बहुत ही सुंदर और हरियाली भरा है। मैं आ चुका हूँ अभी जंगलों के बीचों बीच में, और मैं उन सब्जियों को ढूंढते ढूंढते आया था, लेकिन मेरे को अभी एक मिल चुकी है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से होती है, और मस्त वाला होता है। अभी तो बिल्कुल न्यू उग रहा है, तो अभी बारिश हो रही, जिस तरह से बरसात का मौसम बढ़ता जाएगा उसी तरह से बहुत सारी उगती जाएगी, तो अभी तो पहला मिला है मेरे को, किस तरह से होता है मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। और अभी तो बहुत सारे कलेक्ट करेंगे, अभी तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगा, तो अभी मिलता है कि नहीं मिलता है वो आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा, बट अभी एक मिला है मेरे को, तो अभी देखो पहले हम कैसा है। ये देख सकते हो आप कितना ही सुंदर है, ये देखो ओपी तरीके से उगा हुआ है यहाँ पे इसको, ये है देखो, ये देख सकते हो आप बिल्कुल गोभी जो होता है उसी की तरह होता है, तो ये गोभी चाऊ बोलते हैं इसको, ये मशरूम है, ये जंगल में उगता है बरसात के मंथों में, और ये देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर है। बट इसको भी यहाँ से हम काटेंगे इसको, और इसको हाथ में लेंगे कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो आप कितना ही सुंदर है, ये देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर है, कुछ इस तरह से होता है ये मशरूम, और इस तरह से बहुत बड़े बन जाते हैं, जितना ये आइडिया से इसकी बहुत बड़ा बन जाता है, 3-4 किलो का इस तरह से बन जाता है। बट अभी तो ये छोटा सा है, बिल्कुल नन्ना सा उगा हुआ है और बहुत ही प्यारा है, तो इसको अभी इस टाइम पे खाना बहुत ही टेस्टी होगा। तो कुछ इस तरह से देखो प्रकृति क्या सुंदर सुंदर चीज़ें देती रहती है,
इंसान को, बट इस तरह से और हम बहुत सारे कलेक्ट करेंगे, अभी बहुत आगे तक जाएंगे। तो देखो आप लोग, ये देख सकते हो आप जिस चीज़ के लिए मैं आया था, और फर्स्ट में ही ये चीज़ मिल चुकी है मेरे को। ये है वो मशरूम जिसके लिए मैं आया था, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से है प्रकृति, बहुत कुछ देना चाहती है, बट समझ होना चाहिए कि किस चीज़ को खाए और किस चीज़ को ना खाए। तो इस तरह से भी हम बहुत सारे कलेक्ट करेंगे। एक मिल चुका है, और अभी थोड़ी यहाँ पे धूप भी नहीं थी तो मैंने सोचा टोपी उतार देता हूँ, और टोपी जैसे उतारी वैसे धूप लग गई। अब मैं थोड़ा आगे जाके पहनूंगा। फिलहाल मेरे को अभी एक मिल चुका है, और मैं धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना मिलता है, और थोड़ा आगे तक जाके देखते हैं। चलते चलते अभी जंगल में एक और मेरे को मिल चुका है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी उतना ही है, बट ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नया हुआ है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से है, और मज़ा आएगा। इस तरह से और मिलते रहे तो मैं बैग भी भर सकता हूँ आज, कोई पता नहीं है। बट अभी देखो आप लोग कैसे। तो गाइस ये देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर तरीके से उगा हुआ था, और बहुत ही अच्छी गोभी है। तो इसको हम जो ख़राब वाले को इनसे छुरी से काट के हम इसको फेंक देंगे, क्योंकि ये जड़ ज़मीन में लगा हुआ था। बाकी का ऊपर का हिस्सा देख सकते हो आप, बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ है, बिल्कुल नया उगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से होती है ये, जिनको गोभी चौं के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही साफ। पता नहीं आप लोगों के उधर होता है कि नहीं, बट यहाँ पे देखो आप इन चौं को बड़े इजी तरीके से खा सकते हो आप घर में बना के। बट हाँ, इसमें लहसुन लहसुन डालना थोड़ा सा ज़रूरी भी है। और देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर छोटा सा मिल चुका है, देख सकते हो आप तीन हो गए। तो इस तरह से अभी ढूंढते ढूंढते जाएंगे, और आगे की तरफ बड़े भी मिल सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल उगी रही है और छोटी छोटी सी मिल रही है। और चलो यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। रास्ते के नीचे की तरफ मेरे को रास्ते में तीन मिल चुकी थी, बट अभी मैंने कैप पहन लिया है, धूप बहुत तेज है, और मैंने बाल भी पीछे समेट लिए। तो अभी इन घने जंगलों में हम नीचे की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने से किस्मत को भी बदला जा सकता है, कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं अभी ऊपर से बहुत नीचे आ चुका था, आप लोग देख सकते हो बहुत ऊपर से मैं नीचे आ चुका हूँ, बट मैंने सोचा कि अब नहीं मिलेगा, और मैं उम्मीद हार के घर जाने वाला था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और नीचे जाके देखता हूँ, तो ट्राई करता हूँ क्या पता मिल ही जाए। तो अभी मेरे को यहाँ पे शॉकिंग जैसा मिला, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे को क्या मिला यहाँ पे। और उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा भी मिलेगा मेरे को यहाँ पे, और बहुत मज़े। तो ऐसा बोलते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत भी झुकती है, तो यहाँ पे सच हुआ भी फिलहाल। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप कितना सा बड़ा है, और ये मुझे मिल चुका है, और फाइनली जिसके लिए मैं आया था। और देखो अभी 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 ये उगा हुआ है, तो बरसात के मौसम में आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर और मस्त तरीके से उगा हुआ है। और यहाँ पे भी है एक, ये देख सकते हो छोटा सा। तो इन दोनों को काटते हैं अभी, और मज़े से इनको बैग में डालते हैं, और फिर और ढूंढते हैं थोड़ा बहुत, अगर मिला ठीक है, नहीं तो फिर घर की तरफ चलेंगे। गाइस एक और देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ये थोड़ा बड़ा है इससे पहले से, लेकिन क्लियर है बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, न्यू उगा हुआ है, और आप देखो कितना अच्छा है, वाव ऊपरी तरीके से। यस अब इनको ले जाते हैं, एक टुकड़ा मैंने यहाँ रखा था, और इनको बैग में डालते हैं फिलहाल अभी यहाँ से, इतनी सारी यहाँ पे। और ये देख सकते हो अब मैं इसको बैग में भरूंगा। तीन चार तो पहले मेरे को छोटी छोटी मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को बहुत बड़े वाले मिल चुके हैं। और थोड़ा आगे को भी जाएंगे, और मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो इतना लेके हम घर की तरफ चल पड़ेंगे, और फिर ऊपर जाके हम और बेरियाँ निकालेंगे जो मीठी वाली होती है। तो आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे होते हैं, पहले इसको यहाँ से अभी बैग में भर लेते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो आप, एक और मुझे मिल चुका है, ये भी काफ़ी बड़ा है, और इसकी जड़ मैं काट लेता हूँ ताकि मैं इसको उठा सकूं। गाइस अभी मैं हूं बीच जंगल में, और यहां पे मेरे को काफ़ी कुछ मिल चुका है, और ये मैंने 10 किलो की थैली है, और इस थैली को मैंने भर लिया है। तो कुछ इस तरह से मेरे को शानदार तरीके से यहां पे मिले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे। और ये देखो कितनी सुंदर है, और ये है जुलाई और जून जुलाई और अगस्त में मिलती है, और तो अभी बारिश की वजह से बिल्कुल नए नए उगे हुए हैं, और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो
कुछ इस तरह से प्रकृति बहुत सुंदर सुंदर सब्जियां देती है, बस सही ज्ञान होना चाहिए। और अब मेरा फुल हो गया है, अब मैं यहाँ से निकालूंगा काल के कर्मुष्टी जिसको बोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसा होता है। पहले इनको बैग में भर लेते हैं, फिर देन उसके बाद उन चीज़ों को भी निकालते हैं और बाल्टियों में भरते हैं। बाल्टी इसीलिए मैं लेके आया हूँ। सो गाइस अभी मेरा बैग तो भर चुका है और जिसके लिए मैं आया था वो हो चुका है काम, बट अब इस बाल्टी को भरते हैं और इस बाल्टी में इन कालगे जिसको बोलते हैं तो उनको भरते हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं लेगी तो घर वालों को भी खिलाएंगे, तो अभी यहाँ से निकालते हैं। वो झाड़ियों में लगते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि किस किस तरह से होते हैं और उनको उठाते हैं। पहले तो मैं हाथ धोऊंगा क्योंकि अब मैं सब्जियाँ नहीं उठाऊंगा, इनको तो धो के खा सकते बट उनको धो के नहीं खा सकते पहले, इसलिए मैं अपने हाथ धो लूँगा देन उसके बाद उनको उठाऊँगा तो फिर तब ठीक रहेगा। तब मेरे हाथ का भी गंदे है फिर अब साफ़ हो जाएंगे, तो इसको तो हम घर में ले जाके धो सकते हैं पर उन कालगों को हम घर में ले जाके नहीं धो सकते, तो अभी उनको लेते हैं और कैसे कैसे है। मैं अभी आ चुका हूँ जहाँ से अभी मेरे को वो कालगे तोड़नी है, तो पहले मैं अभी हाथ धो लेता हूँ एंड देन उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से उसको तोड़ते हैं और कैसे कैसे होते हैं। और बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, बहुत मीठे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं हाथ धो के हो चुका हूँ रेडी, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये कालगे किस तरह से होते हैं। जो हम लोग स्कूल टाइम में होते थे तो ये इनको हम बड़े ढूंढ ढूंढ के खाते थे, लेकिन अब वो स्कूल वाले दोस्त भी नहीं रहे और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है और सब अपनी अपनी ज़िंदगी को सुधारने में बस लगे पड़े हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से होते हैं। गाइस ये है कालगे जिसका नाम मैं बता रहा था आपको, और ये देखो ये जो बिल्कुल पके हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के पके हुए हैं, तो इनको निकालना है अभी यहाँ से। और यहाँ पे भी है कुछ इस तरह से, इन झाड़ियों में लगती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत मीठे होते हैं, तो इनको निकालते हैं फिलहाल अभी यहाँ से। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से होते हैं और बिल्कुल मीठे तरीके से, ये देखो आप। बहुत टेस्टी है, तो इनको आप काफल का नाम भी दे सकते हो। मेरे पीछे देखो पहले ये लाल कलर में होंगे, फिर ये पकने के बाद ब्लैक कलर में हो जाते हैं, तो अभी इनसे भी हम छांटेंगे तो रेड कलर वाले छोड़ देंगे और ब्लैक कलर वाले यहाँ से ले जाएंगे हम। हो सकती है देखो यहाँ पे, और ये देखो इसमें ये ब्लैक कलर वाला है ये पक चुका है और जो रेड वाले ये पकने रह गए। गाइस कुछ इस तरह से है काफल, पहले रेड होंगे फिर पकने के बाद ये ब्लैक हो जाएंगे और बहुत टेस्टी है देख सकते हो आप। सो गाइस ये इनको इजी तरीके से खाओ और बहुत मीठे होते हैं, और जो ब्लैक है वो बहुत मीठे होते हैं, पहले ये रेड होते हैं फिर पकने के बाद ये ब्लैक हो जाते हैं, बहुत टेस्टी है और खटे खटे रसीले हैं बिल्कुल मस्त वाले। कुछ इस तरह से ये प्रकृति की देन है, बिल्कुल मस्त तरीके से आप लोग भी इस तरह से इंजॉय कर सकते हो। तो अभी मेरे को ये बाल्टी भरने को है, तो अभी मैं इस बाल्टी को भरता हूँ, खा भी रहा हूँ साथ में खुद, और इस बाल्टी को भी भरते हैं। भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और इतना एक मैंने तोड़ दिया है, बस अब इतना ही तोड़ रहा हूँ मैं, अब हालत नहीं है कि इतनी तोड़ पाया, और मच्छर भी खा रहे क्योंकि मैं कैपरी पहन के आया था। तो अब चलते हैं घर की तरफ, टाइम भी काफ़ी हो चुका है और थक भी गया हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इनको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कालगे बोलते हैं, वैसे इनको काफल भी आप लोग बोल सकते हो, और जो ये हिमाचल के जंगलों में पाई जाती है, पता नहीं आप लोगों की उधर पाई जाती है कि नहीं, बट यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती है, और बहुत तरीके की मशरूम भी है, बहुत तरीके के जंगलों में सब्जियां उगती हैं, जो आप लोगों को मैं धीरे धीरे दिखाते रहूँगा आगे आने वाले टाइम में भी, जैसी जैसी ये जंगलों में सब्जियां उगेगी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।
सो गाइस अब मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ और काफ़ी थक चुका हूँ। मच्छरों ने भी मेरे को काफ़ी काट लिया क्योंकि मैं कैप्रियो टी शर्ट में आया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद लगा आया होगा। और ये सब्जी हिमाचल के या हिमालय बोल सकते हैं आप, पहाड़ों में पाई जाती है, जहाँ पे देवदार के पेड़ हो, सड़े गड़े इनकी जड़ें हो, तो वहाँ पे ये अपने आप ही उग जाते हैं। प्रकृति खुद उग जाती है, जितनी जितनी मानसून आएगी उसी हिसाब से। तो आज मैं बैग भर के लाया हूँ अपने साथ, और साथ में लाया हूँ मैं अपने साथ काफल, जो कि झाड़ियों में होता है यहाँ पे। अभी उतने ढंग से नहीं पके हुए हैं काफल, तो मैंने अभी एक बाल्टी लाई। तो फिर अगली बार आएंगे तो अपने लिए खाने के लिए ले जाएंगे और ज़्यादा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर आप लोग हिमाचल से नहीं हो तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों की उधर होती है कि नहीं। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल में, अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, ताकि आप लोगों को डेली आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं विनोद राजपूत फिर मिलूंगा आप लोगों को एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शंकर महाराज, बाय।